यो 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 व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाला है कैन एंड ब्रॉक लेसनर के बीच में, तो पूरा वीडियो एंजॉय करना हिंदी कमेंट्री के साथ मौलिक गेमर्स की। The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from parts unknown, weighing in at 323 pounds. ओ माय गॉड, हमारे बीच एक मॉन्स्टर, बिग रेड मॉन्स्टर आ चुका है कैन, जिसका नाम सुन के रेसलरों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसा सुपरस्टार WWE यूनिवर्स में और कोई नहीं। उनकी हाइट तो देखिए, करीबन 7 फुट लंबा चौड़ा मॉन्स्टर रिंग में आ चुका है। अगर कैन की बात की जाए तो WWE के करियर में 3 बार वर्ल्ड चैंपियन, 12 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहे और 2 बार मनी इन द बैंक विनर रह चुके हैं। His opponent from Minneapolis, Minnesota, weighing in at 295 pounds, Brock Lesnar. तो गाइस, जिस पल का बेसब्री से इंतजार था वो पल हमारे बीच आ चुका है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स के सबसे जाने पहचाने, सबसे प्रसिद्ध द बीस्ट कॉन्करर ब्रॉक लेसनर यहाँ पर आ चुके हैं, जो ये नया लुक लेके आए हैं मुस्कुराते हुए। ब्रॉक लेसनर मुझे तो और भी डरावने लगते हैं। सब लोग मानते हैं कि ब्रॉक लेसनर एक खतरनाक सुपरस्टार है जो किसी को भी धूल चटा सकता है, और अभी इंसानी प्रजाति को एक अलग लेवल पे ले जाने वाला, अपने आप को एक अलग लेवल पे ले जाने वाला ये आदमी जो खुद को चैलेंज करता आ रहा है वो अपने पूरे करियर में। यह भले ही वो WWE हो चाहे UFC हो, हर जगह अपने झंडे गाड़े हैं। पहले तो सिर्फ सीरियस थे, उनको मालूम था वो आकर सबको पीटने वाले हैं, पर अभी तो मुस्कुराते हुए, हंसी मजाक करते हुए लोगों को मारते हैं, और भी डरावने हैं। और गाइस, यहाँ पर मैच स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर आते ही ब्रॉक लेसनर ने अपने स्ट्राइक से स्वागत किया है कैन का, बहुत ही बेहतरीन। कैन क्या करते हैं, और यहाँ पर फिर से एक बार ब्रॉक लेसनर ने बहुत ही बढ़िया जर्मन सुप्लेक्स जड़ दिया है, अपना पहला सुप्लेक्स यहाँ पर दिखाते हुए। फिर देखते हैं क्या करते हैं, द सुप्लेक्स सिटी, द मिस्टर सुप्लेक्स सिटी। ओ माय गॉड, फिर से एक बार सुप्लेक्स दे दिया है कैन को, और यहाँ पर अपने स्ट्राइक की बारिश कर दी है कैन के चेहरे के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन लगातार मुक्के मारते हुए, अपने पंच मारते हुए। और यहाँ पर फिर से एक बार जर्मन सुप्लेक्स जड़ दिया है ब्रॉक लेसनर ने। यहाँ पर मन बना के आया कि इनको सुप्लेक्स मार मार के इनकी हड्डी पसली तोड़ देनी है और मैच को एक F5 देकर जीत जाना है। देखते हैं क्या कर रहे हैं। यहाँ पर वापसी कर लिया है कैन ने। ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन अपना पहला टॉम स्टोन, अपना फिनिशर देते हुए ब्रॉक लेसनर को। क्या मैच ओवर हो सकता है, क्या लग रहा है गाइस, यहाँ पर बीस्ट हार मान लेंगे। देखते हैं, एक नहीं, कैन आप इतना जल्दी नहीं हरा पाओगे ऐसे बीस्ट को। देखते हैं कि अभी और क्या करते हैं, और यहाँ पर बेहतरीन अपना चॉक स्लैम देते हुए ब्रॉक लेसनर को। ओ माय गॉड, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन चॉक स्लैम दे दिया है। अभी देखते हैं कि मैच ओवर हो सकता है। एक नहीं, बीस्ट इतना जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। और यहाँ पर कैन को गुस्सा आते हुए, अभी देखते हैं अपनी अगली स्ट्रेटेजी क्या है कैन की। और यहाँ पर फिर से एक बार अपना बेहतरीन चॉक स्लैम जड़ते हुए ब्रॉक लेसनर को। क्या मैच यहाँ पर अंत हो सकता है मैच का, देखते हैं। एक, ओ माय गॉड, यहाँ पर एक ही काउंट में यहाँ पर काउंट आउट कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर। यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आते हुए कैन को, और यहाँ पर मिडल रोप पे चढ़कर यहाँ पर जंप लगा दिया, और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन रिवर्सल देते हुए ब्रॉक लेसनर। और यहाँ पर, ओ माय गॉड, यहाँ पर फिर से एक बार उठाकर पटक दिया है ब्रॉक लेसनर को, और यहाँ पर वापसी का चांस नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर फिर से एक बार उठाकर पटक दिया है। ओ माय गॉड, यहाँ पर अपने पंच की, अपने मुक्कों की बारिश कर दी है ब्रॉक लेसनर के चेहरे के ऊपर।
और यहाँ पर वापसी कर ली, आखिर वापसी कर ली बीस्ट ने। अभी देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पर बेहतरीन अपने स्ट्राइक के साथ यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन अपना पहला F5 जड़ते हुए ब्रॉक लेसनर। यहाँ पर मैच ओवर हो सकता है अपने F5 से क्या? एक तो नहीं, कैन भी नहीं हार मानने वालों में से है। देखते हैं, एक दो और बहुत ही बढ़िया फेस ब्रश देते हुए और यहाँ पर अपना एटीट्यूड और अपना जुस्सा दिखाते हुए ब्रॉक लेसनर। देखते हैं कि क्या क्या प्लानिंग है। और यहाँ पर रोक के पास धकेलते हुए और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन अपनी स्ट्राइक देते हुए और यहाँ पर दौड़ कर यहाँ पर फिर से एक बार अपना किक मूव देते हुए यहाँ पर परेशानी में कैन। और यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ पर हमें F5 देखने मिल सकता है और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन अपना F5 देते हुए ब्रॉक लेसनर और यहाँ पर मैच ओवर हो जाएगी। एक तो ओ माय गॉड, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? ब्रॉक लेसनर ही पिन छोड़ दिया। लग रहा है कि आज बहुत ही पिटने के मूड में और यहाँ पर कैन को जख्मी होकर ही जाना पड़ेगा घर पे, ऐसा मन बना लिया है ब्रॉक लेसनर ने, इसीलिए उन्होंने पिन छोड़ दिया। ये इनकी स्ट्रेटेजी रहती है कि अगर कोई बहुत ही खतरनाक रेसलर उनके सामने हो तो वो पीट पीट कर उनका ऐसा हाल बना देते हैं कि उनके सामने खड़े ना हो। पर यहाँ पर उनकी स्ट्रेटेजी शायद गलत हो सकती है। उन्होंने यहाँ पर वापसी कर ली है कैन ने और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन स्लैम जड़ दिया है और यहाँ पर फिर से एक बार बहुत ही बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस देते हैं और यहाँ पर अपना सबमिशन मूव दे दिया है ब्रॉक लेसनर को। देखते हैं कि ब्रॉक लेसनर ये ब्लॉक तोड़ पाएंगे। ओ माय गॉड, यहाँ पर ब्रॉक लेसनर वापसी कर ली है यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने। देखते हैं फिर से एक बार बहुत ही बेहतरीन अपना जर्मन सुप्लेक्स जड़ते हुए कैन के ऊपर और यहाँ पर फिर से एक बार अपने चेयर से यहाँ पर मिस कर दिए और यहाँ पर फिर से एक बार बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर कनेक्ट हो गया और यहाँ पर फिर से एक बार कैन ने भी वापसी कर ली है। क्या होगा ये मैच का अंजाम, इसके लिए बने रहना गाइस पूरे एंड तक, क्योंकि बीस्ट हार नहीं मानने वाला और कैन मार मर के जीत हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। देखते हैं कि अभी क्या होने वाला है ये मैच में। तो गाइस अगर आपको ये मैच अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और यहाँ पर इसी के साथ जर्मन सुप्लेक्स के साथ एक सब्सक्राइब भी कर लेना जो भी चैनल पर नया है वो। और यहाँ पर फिर से एक बार अपने सुप्लेक्स की बारिश कर दी है और लगातार दूसरा सुप्लेक्स और यहाँ पर छोड़ने का नाम नहीं ले रहे ब्रॉक लेसनर। तीसरा सुप्लेक्स जड़ दिया है, लगातार तीन सुप्लेक्स जड़ दिए है यहाँ पर कैन के ऊपर और कैन यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन। ओ माय गॉड, यहाँ पर फिर से एक बार बेहतरीन अपना F5 देते हुए कैन को। यहाँ पर मैच ओवर हो जाएगी। एक दो तीन और आखिरी किंग ऑफ द रिंग ब्रॉक लेसनर बन चुके इस दिन के इस मैच के विजेता, द बीस्ट कॉन्करर हैवीवेट चैंपियन ब्रॉक लेसनर। तो गाइस लाइक कर देना, जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही शानदार मैचेस आपके लिए लाता रहूँगा। तो आपका प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना, आपका कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय। हियर इज योर विनर ब्रॉक लेसनर। आई कैन इमेजिन बीइंग एबल टू सेलिब्रेट लेट अलोन स्टैंड आफ्टर अ मैच लाइक दैट। Talk about resilience. Talk about endurance. Really, talk about stubbornness. It certainly paid off here tonight, but who knows?